देश भर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर पटाखे चलाने के लिए तमिलनाडु और पुडुचेरी जैसे दक्षिणी राज्यों को समय तय करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद तमिलनाडु सरकार ने दिवाली पर पटाखे चलाने का समय तय कर दिया है। इस तय समय के मुताबिक लोग सुबह 6 बजे से सुबह 7 बजे तक और शाम को 7 बजे से 8 बजे तक ही पटाखे चला सकेंगे। सरकार ने समय तय करते हुए लोगों से आग्रह किया है कि वो कम से कम डेसिबल वाले पटाखे ही फोड़ें, ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। साथ ही लोगों को धार्मिक स्थलों या फिर अस्पतालों के नजदीक पटाखे नहीं जलाने के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर पटाखे फोड़ने के लिए रात 8 बजे से 10 बजे तक का समय निर्धारित करने वाले आदेश में सुधार करते हुए कहा था कि तमिलनाडु और पुडुचेरी जैसे दक्षिण राज्यों में समय में बदलाव किया जाएगा, लेकिन इसकी अवधि 2 घंटे से ज्यादा नहीं होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में पटाखे बनाने, बेचने और जलाने पर प्रतिबंध को लेकर फैसला सुनाया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिवाली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। वहीं कोर्ट ने दिल्ली में ग्रीन पटाखे चलाने को कहा था। ये आदेश सिर्फ दिल्ली NCR के लिए ही था, भारत के बाकी राज्यों के लिए नहीं। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के मुताबिक आप पटाखे जलाएंगे और देश भर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अपना योगदान भी देंगे। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।